हेलो गाइस, वेलकम टू कमेंट सर्विस अनवर। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं ये BS4 3718 कमेंट्स का ट्रक है, टाटा ट्रक्स। तो इसका जो प्रॉब्लम है, पिकअप सही नहीं हो रहा है। तो ये पुअर पिकअप का दिक्कत है, और पुअर पिकअप होने के वजह से इसका जो एवरेज है फ्यूल कॉस्ट जो है ज़्यादा पड़ रहा है। ये बात ड्राइवर ने कहा कि गाड़ी का खिंचाई सही से नहीं बन पा रहा। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे मीटर बोर्ड चाबी ऑन करके देखेंगे मीटर बोर्ड का कंडीशन क्या है। तो फ्रेंड्स, ये चाबी ऑन किया करने के बाद आप देख सकते हो ये मीटर बोर्ड पर जो चेक लैंप है वो जला हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये चेक लैंप जला हुआ है। तो चेक लैंप जला हुआ है तो हम देखेंगे सॉफ्टवेयर कनेक्ट करके क्या प्रॉब्लम है गाड़ी में। तो हम इसको डायग्नोसिस करेंगे क्या क्या फॉल्ट कोड है, उसके ऊपर काम करेंगे। ओके, तो सब कुछ देख सकते हो, सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर लेते हैं। स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर लिया, और यहाँ पर देख सकते हो ये जो फॉल्ट कोड है 3164 आफ्टर ट्रीटमेंट ऑन एसीआर इनटेक टेम्परेचर डाटा वैलिड बट अबव नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज लिस्ट सेवर लेवल इनएक्टिव है। फ्रेंड्स, ये फॉल्ट कोड इनएक्टिव है, बट अदर फॉल्ट कोड है 3236 जो फॉल्ट कोड है आफ्टर ट्रीटमेंट ऑन एसीआर आउटलेट टेम्परेचर डाटा वैलिड बट अबव नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज लिस्ट सेवर लेवल। तो फ्रेंड्स, ये जो 3236 जो फॉल्ट कोड है ये एक्टिव है, इसी के कारण गाड़ी का जो खिंचाई नहीं हो रहा है, पुअर पिकअप आने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, पुअर पिकअप आने के कारण तो हम गाड़ी को स्टार्ट करके देखेंगे। जो ये जो 3236 फॉल्ट कोड है ये एग्जॉस्ट गैस लीक होने की वजह से ये फॉल्ट कोड एक्टिव हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के बाद हम देखेंगे तो ये जो टर्बो का क्लैम है ना, टर्बो का क्लैम है, इसी का कारण लूज होने के कारण एग्जॉस्ट गैस लीक हो रहा था। तो हम उस क्लैम को टाइट कर दिए। टाइट करने के बाद और ये फॉल कोड इरेज करते हैं, तो क्लियर फॉल्स करते हैं, देखते हैं फॉल कोड जाता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये 3236 जो फॉल कोड है ये टर्बो से लेकर EGP तो तक साइलेंसर का जो लास्ट पोर्शन तक है उसमें जो एग्जॉस्ट गैस लीकेज होगा तो ये फॉल्ट कोड शो कर देगा। तो फ्रेंड्स, इस फॉल्ट कोड एक्टिव होने के वजह से गाड़ी का खिंचाई नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, हमें फॉल्ट कोड को क्लियर कर दिया। तो अब देख सकते हो फ्रेंड्स, अब क्लीन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो फॉल्ट कोड क्लियर सक्सेसफुली, तो फॉल्स क्लियर हो गया। और उसके बाद हम देखेंगे फॉल्ट पे जाके देखेंगे वो फॉल्ट कोड है या नहीं। तो हम देखें ये जो नो फॉल्ट फाउंड यहाँ पर दिखा रहा है नो फॉल्ट फाउंड, तो यहाँ पर कोई फॉल्ट नहीं दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो टर्बो का क्लैम है, टर्बो का क्लैम लूज होने के वजह से और जो कोई भी एग्जस्ट गैस किसी भी तरह लीक होने के वजह से ये फॉल्ट कोड एक्टिव हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें टर्बो का क्लैम से लेकर साइलेंसर का जो पैकिंग है वो भी देखेंगे, सब देख के ये फॉल्ट कोड रिसेट करना है। रिसेट करने के बाद हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो गाड़ी है ये अपडेट जा रहा है कैलिब्रेशन, तो हमें कैलिब्रेशन बाद में कर लेंगे। तो इसका जो प्रॉब्लम है चेक लैंप था वो चला गया। तो हम अब गाड़ी को ट्रायल करके देखेंगे। तो
फ्रेंड्स हमें रास्ते में चला आया, देख सकते हो ये जो गाड़ी ट्रायल कर रहा हूँ, जो पिकअप का प्रॉब्लम था तो हम देखेंगे। तो ड्राइवर साहब से पूछ लिए कोई दिक्कत आ रहा है या नहीं, तो सब कुछ ठीक है बोला, सब कुछ ठीक है। गाड़ी 80 पे भाग रहा है, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये नॉर्मल फॉल्ट है, बट ना जानने से बहुत अनजान होगा, बहुत भारी पड़ेगा इस फॉल्ट पे। तो फ्रेंड देख सकते हो गाड़ी को हम स्पीड में भगा रहा है। तो पहले आपको क्या करना है, आपको क्लाम को चेक कर लेना है, उसके बाद गाड़ी को ट्रायल करके छोड़ना है। जब भी ये दिक्कत आएगा तो क्लाम को चेक कर लेना है, क्लाम को सही से देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, और वीडियो लाएंगे। थैंक यू सो मच।